A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the specimen paper of English literature for ISC class 12 for their 2024 examinations. Already we have done English language, we have done BST and we have done commerce papers. So today we'll be doing English literature aur hum log aaj iska sirf section A solve karenge. क्योंकि सेक्शन बी इज अ बिट लेंथियर तो उसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में लेंगे. ओके, स्टार्टिंग विद द पेपर. इट विल बी ऑफ 80 मार्क्स. यू नो इट विल बी ऑफ 3 आवर्स. इट विल हैव एडिशनल 15 मिनट्स जिसमें आप पेपर को सॉल्व करते हो, चेक करते हो, रिकॉल करते हो कि वट एवर क्वेश्चन यू नो, वट एवर सॉल्यूशन यू कैन डू, वट क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट, ये सारी चीजें आप इन्हीं 15 मिनट में करते हो. ओके, देन द सेक्शन ए. सेक्शन ए ऑफ इज ऑफ 20 मार्क्स and it will contain MCQs as well as reason based questions. Then in this question number 1 जिसमें you have to choose the correct options, आपको options दिए होंगे जिसमें आपको correct option choose करना है and it will be of 10 marks, 10 questions will be of 10 marks. The first question is Miranda. Oh wonder how many goodly creatures are here there, how beauteous mankind is, oh brave new world that has such people in it. What leads Miranda to exclaim the oh brave new world in act 4 scene 1? क्या ऐसा है जो Miranda को force करता है बोलने के लिए कि you can, मतलब oh brave new world. The realization that her father is a powerful duke of Milan, no, उसको already ये चीज पता थी. The sight of Ariel and other spirits, no. The sight of Alonso and his courtiers, yes. The realization that she would be the queen of Naples, no. उसको ये suddenly जब curtain हटता है और उसको पता चलता है कि बाहर इतने सारे लोग हैं, then she realizes कि okay, now till now she has only seen herself in the mirror. She has seen her father, she has seen Caliban and Ferdinand. अब उसको समझ आएगा कि oh my god, the world is so big. There are so many people in this world. ठीक है, तो द साइट ऑफ अलोंसो एंड हिज कोर्टियर्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू जूनो एंड आयरिस डिस्क्राइब सेरिस एज बाउंटियस ड्यूरिंग द मास्क इन द टेम्पेस्ट. तो उस टाइम पर जूनो और आयरिस सेरिस को बाउंटियस क्यों डिस्क्राइब करते हैं? नाउ बाउंटियस मींस समवन हु इज ग्रेशियस, ग्रेसफुल जो होता है, या फिर समवन हु इज जेनरस. ओके, जेनरोसिटी जिसमें ज्यादा होती है. तो द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों वो लोग उसको बोलते हैं? वाई? बिकॉज शी इज अ क्वीन ऑफ द गॉड्स, नो. शी इज क्वीन ऑफ गॉडेस ऑफ हार्मनी, नो. शी इज अ निम्स ऑफ द वुड्स, नो. शी इज द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, द नेक्स्ट वन इज दो विद देयर हाई रॉन्ग्स आई एम स्ट्रक टू द क्विक येट माई नोबलर रीजन अगेंस्ट माई फ्यूरी डू आई टेक पार्ट. विच क्वालिटी ऑफ प्रस्पेरो इज रिफ्लेक्टेड इन द डिसीजन दैट ही टेक्स इवेंचुअली इन एक्ट 5 सीन 1 ऑफ द प्ले. तो उसकी कौन सी क्वालिटी इस पूरे स्टेटमेंट में समझ में आ रही है? ऑनेस्टी नहीं, वो किस बात का सच बोलेगा? अंडरस्टैंडिंग, भाई उसको किसको समझना है? देन रेशनैलिटी कुड बी द आंसर एंड फॉरगिवनेस कुड बी द आंसर. तो जस्ट बिकॉज की ही इज फॉरगिविंग हिम, दो विद माई हाई रॉन्ग्स आई एम स्ट्रक टू द क्विक येट माई नोबलर रीजन अगेंस्ट माई फ्यूरी डू आई टेक पार्ट. तो प्रोबेबिलिटी इज देयर दैट इट कुड बी रेशनैलिटी. वो यहाँ पर किस चीज की बात कर रहा है? येट माई नोबलर रीजन, भले उन्होंने मेरे से बहुत गलत किया हुआ है, बट स्टिल मेरे नोबलर रीजन जो है वो मेरे गुस्से के अगेंस्ट आ जा रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी इट कैन बी रेशनैलिटी, बट फॉरगिवनेस भी इसका आंसर हो सकता है. तो दिस यू विल ओनली टेल मी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट इज रेशनैलिटी. ठीक है, ये जो इस डिसीजन है, लेकिन विच क्वालिटी ऑफ प्रस्पेरो इज रिफ्लेक्टेड इन द डिसीजन दैट ही इवेंचुअली टेक्स. तो इन केस अगर हम उसका जो डिसीजन उसने लिया है उस अकॉर्डिंग इट विल बी फॉरगिवनेस ओनली. रेशनैलिटी कैन बी स्टिल अ चांस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एरियल्स म्यूजिक इन्फ्लुएंस स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो इन एक्ट 3 सीन 2 ऑफ द प्ले. कैसे वो उनको अफेक्ट करती है?
तो इट काम्स देम, इट अमेजेस देम, माइट बी इट हेल्प्स देम एक्सप्रेस देयर इमोशंस, नो इट हेल्प्स देम रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, नो भाई इट अमेजेस एंड फ्राइटेंस देम, ठीक है, वो उनको डरा देती है, उनको अमेज कर देती है, वो लोग दे आर वे में सरप्राइज्ड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डिस्क्राइब्स अ नरेटर्स कैरेक्टर इन द शॉर्ट स्टोरी फ्रिट्ज. नरेटर यहाँ पर कौन था? शंकर. तो शंकर की कौन सी क्वालिटी शो की गई है? देखो, शंकर इज वेरी प्रैक्टिकल इन द नेचर. उसको कोई भी अपने फ्रेंड को प्रॉब्लम होती है तो वो उसके सामने आकर के उसकी हेल्प करता है. तो ये सारी क्वालिटीज में आप एक चीज नोटिस करो कि सब थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है. एरोगेंस इज नेगेटिव, रेशनल इज ठीक है, इनडिफरेंट इज सम पर्सन हु हैज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, एंड एम्बिशियस यू नो ठीक है कि किसी का बहुत हाई एम्बिशंस होते हैं. तो रेशनल विल बी द आंसर कि ठीक है, वो बहुत ज्यादा तर्क के साथ चीजों को, रीजन के साथ, लॉजिक के साथ सोचता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया एम्फसाइज इन द स्टोरी बी वर्ड्सवर्थ. बी वर्ड्सवर्थ स्टोरी में जो मेन आइडिया था वो क्या था? ब्यूटी ऑफ द नेचर. नो, इट विल बी एलिनेशन ऑफ द आर्टिस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पैसा या फिर सक्सेस भी नहीं. एलिनेशन ऑफ आर्टिस्ट कैसे? द स्टोरी हाईलाइट्स द एलिनेशन ऑफ द आर्टिस्ट. आर्टिस्ट जो सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग होकर के रहता है, ना वो सोसाइटी में मिंगल होते हैं, ना सोसाइटी खुद उसको अपनाती है. फ्रॉम द सोसाइटी ही लिव्स इन एंड ट्राइज टू कम टू टर्म्स विद एन रोल ही माइट प्ले इन इट. और वो क्या करता है? वो उस टर्म्स में आ रहा है जो जिसके अंडर वो सोसाइटी में मिंगल हो सके, बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू मिंगल. देन नेक्स्ट वन, इन दिस शॉर्ट स्टोरी द सिंगिंग लेसन, वॉट मेड मिस मिडोज चेंज फ्रॉम कंडक्टिंग अ मूनफुल सॉन्ग टू अ हैप्पी वन. क्या ऐसा हुआ था कि मिस मिडोज जो है वो एक पहले दर्द भरा सॉन्ग गा रही बोल रही थी गाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को, और उसके बाद एक हैप्पी वन. बेसिल्स कन्फेशन, बेसिल का टेलीग्राम टू टेलिंग हर टू इग्नोर दिस लेटर सेंड बाय हिम, द स्टूडेंट्स रेंडिशन ऑफ द सॉन्ग, द हेड मिस्ट्रेसेस कन्फर्मेशन ऑफ मिस मिडोज डूइंग गुड जॉब. नो, ये दिस इज द आंसर. बेसिल्स टेलीग्राम टेलिंग हर टू इग्नोर द लेटर सेंट बाय हिम, और जिसमें भाई उसने रीजन क्या दिया था बेसिल ने, दैट हो सकता है कि मैं एक बैड मूड में हूँ इसलिए मैंने तुम्हें ये लेटर भेजा हो, और मैंने तुम्हारे लिए, मतलब इन जनरल ये नहीं बोला उसने तुम्हारे लिए, मैंने एक हैट स्टैंड भी खरीदा. नाउ दिस इज ऑल्सो अ थिंग यू नीड टू रिमेम्बर कि उसके लास्ट जो लेटर था उसके कंटेंट्स में था क्या, पूछा क्या गया था. नेक्स्ट वन, With the same pains you used to fill a cup up to the brim means edge and even above the brim. Okay, birches. The above lines taken from the poem Birches describe how the boy climbs the tree. What quality of the boy is being highlighted here? अब यहाँ पर क्या बताया गया है? That it shows the above lines taken from the poem Birches, और कहा गया है कि ये line जी ये दिखा रही है कि how the boy climbs a tree, और कौन सी quality यहाँ पर highlight की गई है उसकी, किसकी? जो boy है उसकी curious है, courageous है, optimism है और mindfulness है. रुको पहले मैं सब delete कर दूँ तो तुम लोग को लगेगा कि सब सही है. तो यहाँ पर क्यूरियोसिटी किस चीज की भाई, करेज फॉर वॉट, कि वो यहाँ पर क्या शो किया गया कि ही वॉज व्हेन ही यूज्ड टू गो टू द ट्री बर्चेस ट्री, तो वो उसको जब चढ़ता था उसके ऊपर वो ऐसे बैलेंस करता था उसको. ऑप्टिमिज्म ऑल्सो. नो, अकॉर्डिंग टू मी द आंसर विल बी माइंडफुलनेस. देखो अगर एक जगह पर एक ऑप्शन दिया गया था केयरफुलनेस, ही वॉज केयरफुल, तो वो आंसर भी करेक्ट होता. क्या देखो स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब भी आप कप में वाटर भरते हो अगर आप उसको ऊपर तक भर रहे हो या इवन उससे ज्यादा भर रहे हो, आप बहुत फूक फूक करके कदम रखते हो, ठीक है, मींस यू आर अलर्ट, मींस यू आर कॉन्शियस, मींस यू आर अवेयर. तो यही चीज यहाँ पर दी गई है, दैट ही वॉज माइंडफुल टूवर्ड्स, ही वॉज कॉन्शियस, ही वॉज अवेयर. और इसी का ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ही कीप्स हिज पोज, पोज मीन्स ही स्टेज बैलेंस, ही इज बैलेंस्ड calm, sort of hovering up on a tree branch. The speaker compares it to a filling a cup of to the brim. एकदम edge तक उसको fill कर रहा. If you are pouring in liquid into a cup,
आप भी बहुत केयरफुल हो सो दैट नॉट टू ओवरफ्लो दिस, ठीक है, सो दैट आप उसको ओवरफ्लो ना कर पाओ. देन यू जस्ट एड अ टाइनी, दिस इज टीनी लिखा हुआ, इट्स टाइनी बिट मोर एंड द लिक्विड फॉर्म्स अ डोम जस्ट अबव द रिम ऑफ द कप, जो एकदम कप का जो एकदम साइड एज है, अगर आप उसके ऊपर पानी डालोगे वो ऐसे करके भर जाएगा, डोम जैसा शेप उसमें हो जाएगा. तो वही चीज याद बोलेगी, इट वॉज कंपेयर्ड विद द केयरफुलनेस ऑफ द नरेटर, सॉरी द बॉय, ठीक है, जो उसमें था. देन कम्स द सी इज काम टू नाइट, वन ऑफ द हॉरिबल पोएम्स दैट आई फाइंड इज डोवर बीच, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती है, इवन दो मैंने खुद उसको दो बार पढ़ाया है, ठीक है, एक बार शायद तरीके की अंग्रेजी में और फिर एक बार थोड़ा बहुत हिंदी में. तो द पोएम स्टार्ट्स विद द सी इज काम टू नाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स की डोवर बीच जो है इसलिए इस स्टेटमेंट से शुरू की गई है. सबसे पहले चीज ये खुद दी हुई है, द टू हेल्प द रीडर विजुअलाइज द सेटिंग ऑफ द, रीडर्स को ये समझ में आए कि ओके जो पोएम है बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक है. टू कन्वे रिलीजियस फेथ इज डिमिनिशिंग, फर्स्ट लाइन में सबसे पहली चीज पूछी गई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स व्हाई द पोएम स्टार्ट्स विद द अबव लाइन, वो क्यों ऐसे शुरू हो दिया, तो वो सेटिंग होगी या तो रिलीजियस फेथ, नहीं स्टार्टिंग में कैसे रिलीजियस फेथ डिसाइड करोगे. टू अर्ज द रीडर्स टू शो मोर कंपैशन एंड पीस इन द वर्ल्ड, नो, एंड टू एक्सप्रेस दैट द अपेरेंट काम इज डिसेप्टिव माइट बी, देखो ये माइट बी है इसलिए हम इसको अंडर क्वेश्चन डाल लें, अकॉर्डिंग टू मी द आंसर कुड बी ओनली वन, लेकिन हो सकता है कि इसका आंसर वन और फोर हो, दिस आई एम मार्किंग एज अ क्वेश्चन, माइट बी दिस कुड बी कि भाई पहला तो सेटिंग और दूसरा कि ये जो शांति है वो सिर्फ शांति नहीं, हो सकता है कि ये चीज हो, बट प्रोबेबली दिस इज फर्स्ट आंसर ओनली, फर्स्ट वन ओनली. ओके द नेक्स्ट वन, अगेन वन ऑफ द नाइसेस्ट क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, द क्वेश्चन द डार्कलिंग थ्रश में the poetic device which the poet has used while describing wind as death lament, जो wind है वो ऐसे है जैसे कि कोई death के songs गा रहा हो, ठीक है, मतलब वो जो उसकी आवाज है वो वैसे जैसे कोई death के songs गा रहा हो. देखो ये हो सकता है, okay, again why, because it is related to sounds, but ये वो वाले terms लेता है जैसे लगता है be ruffled flare या जिसे कहते हैं hiss, ठीक है, या फ्लटरिंग, आप इन सब साउंड्स को सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये वो इस फिगर ऑफ स्पीच होती है, ओनोमेटोपिया जिसको कहते हैं, जो साउंड रिलेटेड होती है. आप उस वर्ड को देखोगे आपको समझ में आएगा कि मतलब जो प्लेस है या जो भी आवाज है वो आपको सुनाई दे रही है. हिसिंग साउंड हो गया, फ्लटरिंग हो गया, फेदर्स का फ्लटर हो गया. ओके देन कम सिमली, सिमली होते जब दो चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है एज या फिर लाइक का यूज करके, शी इज लाइक अ रोज. विजुअल इमेजरी होता है जब आप किसी चीज को इमेजिन कर रहे होते हो, जैसे आपने डेफिडल्स पढ़ी होगी क्लास टेंथ में या नाइन्थ में, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेफिडल्स, मतलब बहुत सारे उसमें वहां पर डेफिडल्स थे, फ्लावर्स थे, तो वो विजुअल इमेजरी होता है, ठीक है. और उसके बाद या यहाँ पर भी कि ये वाली पोएम भी कि जब सब अपने घर में चले गए हैं, वो आग जला रहे, तो यू कैन इमेजिन दोस थिंग्स, वो होता है विजुअल इमेजरी. और उसके बाद होता है मेटाफर, व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग, व्हेन यू आर कंपेयरिंग वन थिंग टू द अदर, बट इसमें एज और लाइक का यूज नहीं होता. जैसे शी इज लाइक अ रोज, शी इज अ रोज, ओके, तो दिस इज मेटाफर. अब डेथ लेमेंट कुड बी दिस वन मेटाफर, क्योंकि मुझे और कुछ उसमें ऐसा मिला नहीं. हेयर विंड इज कंपेयर्ड, द साउंड ऑफ विंड इज कंपेयर्ड टू अ डेथ लेमेंट, जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. अब आते हैं आपके ये वाले क्वेश्चन, सो आई हैव सॉल्वड इट हेयर ओनली, क्योंकि हम आपको इसको साथ ही में भेज देंगे ऑन माई चैनल दैट इज टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर, आई विल सेंड यू देयर, आप इसको वहीं से ही पढ़ लेना. बट ओनली सेक्शन ए आई हैव सॉल्व, सेक्शन बी हम अलग से करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन,
अब ये आपके मेक सेंटेंसेस होते हैं, कुछ हिस्सों के रीजन वाले क्वेश्चंस हम लोग ने किए भी हैं। ये जो वीडियो है दिस यू कैन फाइंड इन आईएससी स्पेसिमेन 2024, और बाकी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस यू कैन फाइंड देयर इन आईएससी इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट। अब दूसरी चीज दैट इन केस आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं दैट इज रिलेटेड टू योर मिड सेम्स या मिड टर्म्स होंगे, ठीक है, मिड टर्म्स होते हैं, हाफ एलीज होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, इवन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो वट एवर प्री बोर्ड यू विल हैव, ठीक, बोर्ड एक ही होता है, प्री बोर्ड यू विल हैव, तो इनकेस आपका कोई क्वेश्चन पेपर होता है दैट यू वॉन्ट मी टू सॉल्व इट, स्पेशली दीज टू पार्ट, ये जो एमसीक्यूज वाला है और ये जो रीजन बेस्ड है, फाइंड मी आउट ऑन Instagram with the same display picture, ठीक है, Diva Classes के नाम से, and you can message me, you can send me the paper, the question paper there, आपको सिर्फ ये first वाला जो second वाला part है सिर्फ वही मुझे भेजना है, so that I can solve it for you, post it here, in case you have any queries regarding that, ठीक है, okay, now we will start with this, the first part in this says Act 3 Scene 1 में टेम्पेस्ट में मिरांडा सेज, वो कहती है कि शी डज नॉट रिमेम्बर द फेस ऑफ एनी वुमन, वो कहती है कि मुझे किसी का भी फेस जो है वो याद नहीं है, फर्डिनेंड से वो ये कहती है, क्यों कहती है, ठीक है, अब देखो यहीं पर हमने इसको सॉल्व कर दिया है, वो ये वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है बट स्टिल यू शुड नो दैट कि वो जब यहाँ पर आई थी शी वॉज 3 years old और जब उसके when she and her father were exiled, now some 12 years later she is beginning to blossom into a young woman, she is innocent, she has never seen any other woman, having no knowledge of any other human being except her father Caliban and Ferdinand, human beings mein agar dekha jaye to human beings mein she has only seen herself into the mirror, then her father and Ferdinand, to ये सिर्फ ये कहती है क्योंकि मुझे किसी का फेस नहीं आता क्योंकि वो 3 साल की थी जब वो वहां से यहाँ आई थी, इस आइलैंड पे शी हैज नॉट फाउंड एनी अदर ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट हर ओन सेल्फ, हर फादर एंड नाउ फर्डिनेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट 3 सीन 3 में अलोंसो बिकम्स वेरी अपसेट व्हेन एरियल विजिट्स देम एज अ हार्पी, आई होप आप लोग ने ये वाला पिच देखा होगा, मैंने हार्पी की फोटो पे दिखाई थी तुम लोगों को, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि वो अलोंसो इतना अपसेट क्यों हो जाता है, तो एरियल इन द गाइज मींस उसके भेस में, हार्पी के भेस में आता है, अलोंसो और उसके कंपेनियंस को अक्यूज करता है उसके जितने भी रॉन्ग डूइंग्स थे उसके लिए कि तुम लोग पापी हो, और जो भी उसने प्रोस्पेरो और मिरांडा के खिलाफ किया था, और इसी के कारण अलोंसो जो है वो गिल्टी और रिमोर्सफुल हो जाता है, उसको पश्चाताप होने लगता है, वो पछताने लगता है, इसलिए ही बिकम्स वेरी मच अपसेट, ही फील्स लाइक कि उसको जो लॉस हुआ उसके सन के डेथ का वो इसी कारण हुआ क्योंकि उसने इतना गलत किया था। एक्ट 4 सीन 1 में Prospero feels that the efforts he has taken to civilize Caliban are in vain. Prospero कहता है कि जो he is a born devil, मैं जिसके nurture पर, जिसके nature पर nurture can have no effect, वो ये चीज कहता है Act 4 Scene 1 में, तो वो क्यों कहता है, देखो third वाला यहाँ पर है, ढूंढ लेना, ठीक है, बहुत थोड़ा disorganized लग रहा है मुझे खुद, his body and his mind is becoming uglier, वो कहता है, क्यों वो कहता है, क्योंकि उसका जो body और mind है Caliban का, वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा foul, uglier होना चाह रहा है, he is ungrateful for all those that Prospero has taught him, you can also add one more thing, ki just because he plots against Prospero, ठीक है, किसके साथ मिलकर के Caliban, स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो के साथ मिलकर के Prospero के अगेंस्ट वो प्लॉट करता है, इसलिए भी Prospero कहता है कि जितना भी एफर्ट उसने लिया था Caliban को सही करने के लिए वो सब बेकार चले गए हैं। देन नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, इन एक्ट 5 सीन 1 ऑफ द टेम्पेस्ट Prospero डिसाइड्स टू प्रेजेंट हिमसेल्फ
एज अ ड्यूक ऑफ मिलान टू अलोंसो सेबेस्टियन एंड एंटोनियो. वो एक्ट 5 सीन 1 में प्रोस्पेरो क्यों भेस में आता है ड्यूक ऑफ मिलान के. उससे पहले तो वो एक वही मैजिशियन वाला जो कोट होता है वही पहने रहता है पूरे प्ले में, लेकिन लास्ट में वो ऐसे सुंदर सा बन करके क्यों आता है, द क्वेश्चन इज दैट. तो वो कहाँ गया एक्ट द फोर्थ वन. व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी. वो शो करना चाहता था कि मैं मैजिशियन नहीं, मैं ड्यूक ऑफ मिलान हूँ, अपनी ट्रू आइडेंटिटी, एंड स्टिल टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर देम. वो ऐसे बन करके आता है, ठीक है, सो दैट ही कैन शो दैट स्टिल ही इज माइटी, स्टिल ही इज एज पावरफुल एज ही वॉज अर्लियर वेन ही वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान. And now his enemies are at his mercy. Then next one, fifth one. In the short story Fritz, narrator suggested digging the ground with where Fritz was buried. क्यों? जो narrator है शंकर वो क्यों कहता है ground को dig करने के लिए. Simple से इसका answer है to bring him. Him यहाँ पर कौन है? This is शंकर. This is जयंतो. ठीक है, जयंतो को to bring him to the stable. जो इसको हटा दें, गंदा लग रहा है ये देखने में. साफ साफ लिख दें यहाँ पर to bring Jayanto back to the state of normalcy. यहाँ पर हमने उसका एक और पॉइंट लिखा हुआ है, दैट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये मुझे पॉइंट यहाँ पर. As Shankar felt कि उसका जो फ्रेंड है Jayanto, he is becoming obsessed with the doll. There was obsessed in the sense he was keep he used to keep on thinking only about the doll. वो सिर्फ एक ही तरीका था जिससे वो उसको बाहर निकाल सकता है इन चीजों से. उसने सोचा कि हम इसको डिक कर लेते हैं जहां पर हम लोग ने एक्चुअली उसको बरी किया था डॉल को. ठीक है, बस मैटर सिर्फ इतना था, जस्ट बिकॉज ही वॉज गेटिंग ऑब्सेस्ड, शंकर सॉरी जयंतो वॉज गेटिंग ऑब्सेस्ड, उसको सही करने के लिए ये किया गया था. Then sixth question says in the short story the singing lesson Miss Meadows assumed that Basil has committed suicide. क्यों? क्योंकि telegrams were only sent. सबसे पहले जब last में उनकी जो head mistress है वो उनको बुलाती है letter देने के लिए, तो उसको लगा कि कहीं कोई bad news तो नहीं है. और ये उसको क्यों लगा? टेलीग्राम्स वर ओनली सेंट टू स्कूल फॉर अर्जेंट बैड न्यूज. क्योंकि टेलीग्राम्स उस समय फोन तो चलते नहीं थे कि हेलो कर ले, वीडियो कॉल कर ले, तो उस समय पर सिर्फ इसलिए होता था, टेलीग्राम्स यूज होते थे व्हेनेवर देयर वाज सम अर्जेंट बैड न्यूज टू गिव. ओके, गुड न्यूज कैन वेट बट बैड न्यूज हैज टू बी इन्फॉर्म्ड, इसलिए उसको ऐसा लगा. देन सेवेंथ पॉइंट, In the short story quality, Jessler's competitor was more successful than he was. Why? Because they were capturing the market. Unke jo competitors say they were capturing the market from advertisements and not from the quality of their work. They used to compromise on quality. They used to compromise on the quality and at the cost of the customers. Okay, then eighth one. In the poem Birches, the poet compares life to a pathless wood. क्यों? ये वाला. क्यों? It's easy to get lost where there are no directions provided. Hence, it was called as pathless. आपको वहाँ पर sharp branches, spider webs भी मिलते हैं अपने face पे. And all these are the metaphors for the slings and arrows of life. कि life में जितनी दिक्कतें हमें होती हैं, same is with the woods also. Pathless wood यहाँ पर forest के लिए कहा गया है. Forest में अगर वो अलग रास्ता नहीं बनाए, जहाँ पे सिर्फ mud area होता है, grass नहीं होता है, वो अगर area नहीं बनाए तो आप गुम जाओगे. It is similar to the way जैसे life होती है कि अगर आपको कोई nice direction नहीं मिलता है तो आप गुम जाते हो. In the poem Dolphins, the poet says that dolphins are in their element. वो अपने element में तो हैं, पानी में तो हैं. Element means यहाँ पर water. ठीक है, but वो तभी भी free नहीं हैं. वो क्यों नहीं free हैं? Why? Because they are not free to roam or explore, but they are actually stuck within the limits of the pool. They are actually in captivity. ठीक है, वो लोग क्यों फ्री नहीं है? व्हाई? बिकॉज दे आर इन कैप्टिविटी बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स.
human beings have captured them. Then last one, in the poem John Brown's mother boasted about her son going to war. वो ऐसा क्यों करती है? Because his mother was proud that her son would fight valiantly or bravely at the war and get medals for his valor. और उनकी मदर को ये लगता था कि वो क्यों बोस्ट करती थी, क्योंकि उनकी मदर को ये लगता था कि मेरा बेटा वहां पर जाएगा, लड़ाई करेगा और उसके लिए वो बहुत सारे मेडल्स लेकर के आएगा. You can add into it that she was ignorant about the realities or the futility of the war or the cruelty that is brought by the war. Okay, now section B. अब section B का सिर्फ pattern समझ लो. This we will discuss later जब हम लोग इसको separate solve करेंगे. हर एक part को बहुत बड़े बड़े questions होते हैं, ठीक है. अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि अब सेक्शन बी में तीन चीजें आपकी आ जाएंगी. वन विल बी योर ड्रामा पार्ट, ओके. नेक्स्ट विल बी द पोएट्री और स्टोरी एंड देन स्टोरी पार्ट, ठीक है. तो सबसे पहले ये एक पांच नंबर का क्वेश्चन इज कंपलसरी. द सेकंड पांच नंबर क्वेश्चन इज कंपलसरी और आपको इसकी वर्ड लिमिट भी दे दी गई है. अब ये मत पूछना कि 100 वर्ड्स में कितना लिखना है. यू राइट प्रेसी, यू नो हाउ मच कम्स अंडर प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन वाली, तो उसके अकॉर्डिंग, अपनी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग यू कैन कंप्लीट दैट. और उसके बाद 10 नंबर के दो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक ऑप्शन करना है. बट स्टिल इन एनी केस आपको कोई भी पोएम या स्टोरी को लीव नहीं करना है कि ये वाली कम पढ़ते हैं, ये वाली ज्यादा पढ़ करके जाएंगे. डोंट डू दैट, ठीक. फिर ये और ये इज कंपल्सरी. पांच पांच नंबर के दो क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी. द बिगर क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑप्शन की. अब इसमें और दूसरे वाले में ऑप्शन दे दिया है. Then last one also, that we were blessed and now we are not blessed. Dolphins, ठीक है. John Brown, दो आसान सी stories. और उसके बाद Darkling Thrush and Dover Beach, one of the nicest poems में option दे दिया गया. But in actual, whenever your boards will be there, जरूरी नहीं है कि आपको options इन्हीं poems में ही मिले कि Dolphin पांच ही नंबर की आएगी, जॉन ब्राउन पांच ही नंबर का आएगा, देन डार्कलिंग थ्रश और डोवर बीच दस दस की आएगी. नहीं, हो सकता है कि आपको ये शफल करके अकॉर्डिंगली दे दिया जाए. क्वेश्चंस भी सेम नहीं होंगे, बट हाँ, फॉर दैट यू कैन स्टडी द प्रीवियस ईयर पेपर्स. मेनी ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है. वो भी आप लिटरेचर की प्लेलिस्ट में देख लो. इसलिए हमने पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज और टेम्पेस्ट की जो प्लेलिस्ट है उसको अलग अलग नहीं किया है. क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को अलग अलग नहीं किया है. सो दैट आप उसको देखो. तो जस्ट रीड, स्टडी एवरीथिंग. और ये जितने भी MCQs है, इन केस आपको उसमें कुछ भी आंसर है जो ऐसा लगता है कि कुछ और होना चाहिए, देन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. इसको पढ़ने के लिए ऑल यू कैन डू इज कि उसको बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, सो दैट आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं. ओके, दिस कैन बी द आंसर. रीजन बेस्ड क्वेश्चंस स्टिल कंपैरेटिवली आसान होते हैं एज कंपेयर टू दीज MCQs जिसके आंसर सामने होते हैं, बट फिर भी यू आर अनअवेयर. तो कीप स्टडीइंग फॉर इट. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.